आज जो है अष्ट शक्तियों के अंतिम शक्ति समेटने की शक्ति और समेटने की शक्ति के लिए सबसे पहले हमें जो लास्ट शक्ति देखी थी विस्तार को सार करना होगा और सार के बाद जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको समेटना होगा समाप्त करना होगा गो करना होगा या फुल स्टॉप लगाना होगा अपने लाइफ में उन चीजों को तो इसीलिए समेटने के लिए सबसे पहले जैसे पिछली बार हम सभी ने देखा विस्तार को सार करना होगा और सार करने के बाद जो अननेसेसरी है उसको डिस्कार्ड करना होगा समेटना होगा पैकअप करना होगा यानी फुल स्टॉप अपने जीवन के अंदर लगाना होगा उन चीजों का चिंतन समाप्त करना होगा जिस तरह कहा जाता है कि एक साधक होता है वो गुफा में बैठकर साधना करता है और जितना साधना करता जाता है उतना उसमें परिपक्वता आती जाती है जिससे वो भीतर से एम्पावर्ड हो जाता शक्तिशाली बन जाता है और समय पर यथार्थ शक्ति का प्रयोग कर सकता है ठीक इसी तरह जिन जिन शक्तियों के विषय में हम सभी ने सुना उसे भी जितना हम अपने जीवन में अप्लाई करते जाएंगे आत्मसात करते जाएंगे उतना ही आत्मा भी परिपक्व होती जाती है यानी मैच्योर होती जाती है और जिससे वह शक्ति को हम स्वयं अपने भीतर विकसित कर सकते हैं और समय पर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम अनुभवी बन जाते हैं और अनुभवी के लिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि रवि यानी सूर्य तो जिस स्थान पर सूर्य नहीं पहुंच सकता है वहां एक कवि की कल्पनाएं पहुंचती है और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी तो जितना हम एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं उतना जीवन के अंदर जिस हाइट्स को प्राप्त करना चाहते हैं जिस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं उस शिखर पर भी हम सहजता से पहुंच जाते हैं तो आज की शक्ति के लिए विशेष हम ये समझे कि जो कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है है ना जिस पर हमें निरंतर चलते रहना है जीवन रुकने का नाम नहीं है जीवन चलने का नाम है और इसीलिए जब चलना है यात्रा पर है तो आवश्यक सामान जरूर लेना है परंतु बहुत सारी चीजें नहीं उठानी होती है ट्रैवल में हमेशा यह कहा जाता है जितना लाइट ट्रैवल करो उतना अच्छा है अन्यथा वो सारा बोझ कहीं हमें उठाना न पड़े और अगर हमें उठाना पड़ता है तो जरूर वो यात्रा फिर सुखद नहीं होगी एंजॉएबल नहीं होंगी क्योंकि बोझ उठाते उठाते हम थक जाते हैं ठीक इसी तरह इस जीवन की यात्रा में समय प्रति समय कुछ कार्य को या बातों को भी समेटते जाना होगा वास्तव में जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं से समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है चाहे वो व्यक्ति एक छोटे से परिवार का कर्ता धरता हो चाहे छोटे बड़े व्यापार का मालिक हो परंतु सभी जगह पर समेटने की शक्ति का यथार्थ उपयोग न होने से व्यक्ति अपने पीछे अनेक प्रकार की समस्याएं और के लिए छोड़ जाता है कई बार हम देखते हैं कई बड़ी फैमिलीज में बड़े घरों में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है और देखा जाए कि समस्या क्यों है तो क्योंकि परिवार का जो बड़ा था वो चला गया और हिस्सा बांट के नहीं गया तो अनेक प्रकार के झगड़े अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो समेटने की शक्ति को धारण करने के लिए दो बातों को सदा स्मृति में रखना आवश्यक है तो वो दो बातें कौन सी है सबसे पहली बात हम ये हमारी स्मृति में रखे कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और हम इस दुनिया में मुसाफिर है या मेहमान है तो कोई भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और हमेशा ये याद रहे कि इस जीवन की यात्रा में हम आज है कल कहीं और निकल जाएंगे दूसरी बात ये याद रखना है क्योंकि मेहमान होंगे तो मेहमान हर चीज को अप्रिशिएट जरूर करता है देखो अप्रिशिएट करो आगे बढ़ो लेकिन ये नहीं सोचता है ये भी मैं ले लू ये भी मैं ले लू ये भी मैं ले लू नहीं दूसरी बात हमें जो याद रखनी है इस यात्रा में कि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति व समस्या आए तो व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय हमेशा याद रहे कि यह समय भी बीत जाएगा यह समय भी सदा चलने वाला नहीं है तो बातों को या संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना या समेटना आसान हो जाएगा अगर उस बात के क्वेश्चंस में चले गए क्यों हुआ क्या हुआ कैसे हुआ यह नहीं होना चाहिए था ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चंस में जाएंगे तो उलझन खड़ी होगी मन उदास हो जाएगा भारी हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन कैसा भी समय है अगर ये याद रहा यह भी बीत जाएगा तो हम ज्यादा उदास नहीं होंगे लेकिन एक नए सूर्य का आवाहन करते हैं यानी एक नई सुबह का आवाहन करना शुरू करते हैं तो पुरानी बातें जैसे कहा जाता बीत गई सो बात गई या रात गई सो बात गई तो वो बातों का हम अपने मन के ऊपर टेंशन नहीं रखेंगे ये समय भी बीत जाएगा तो जब हम कहते हैं कि बातों को फुल स्टॉप लगाना है ना फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे किसी ने मुझे पूछा कि बहन जी ऐसा तो नहीं है कि फुल स्टॉप लग उठाया और यहाँ लगा दिया और हमारे संकल्प चलना बंद हो गए तो एक्चुअल फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि निश्चय बुद्धि हो करके हर बात में कल्याण को देखना लुकिंग टू द ब्राइटर साइड पॉजिटिव साइड को देखना जब हमें अपने आप में निश्चय है फेथ है भगवान में फेथ है और ये ड्रामा में फेथ हो कि जो इस क्रिएटर ने ये क्रिएशन बनाई है वो परफेक्ट है तो उसकी हर क्रिएशन में भी परफेक्टनेस है हो सकता है कि बाहर का स्वरूप अभी मुझे अकल्याण का दिखाई देता हो महसूस होता हो लेकिन उसके बाद का जो समय है वो शायद बहुत अच्छा है इसीलिए कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी क्लाउड देर इज अ सिल्वर लाइनिंग आशा का एक प्रकाश का किरण है तो इस विश्वास के साथ हमेशा उस कल्याण को देखने का प्रयत्न करना दूसरी साथ दूसरी बात के फुल स्टॉप लगाना माना अपने विचारों को नई दिशा देना अपने विचारों को एक जो दिशा में हम चल रहे हैं हो सकता है कि वहां व्यर्थ संकल्पों की मार्जिन ज्यादा हो जाएगी तो अपने संकल्पों को एक टर्न देना है दूसरी दिशा में ले जाना है अर्थात नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है तीसरी बात मान लो के कोई समस्या कोई परिस्थिति कोई व्यक्ति ने क्रिएट किया हो तो उस समय फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे तो उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करना अंदर में धैर्यता और गंभीरता जीवन में ले आना और उस आत्मा के प्रति भी अपने संकल्पों को ये ऐसा है ये वैसा है ये ऐसा ही करता है ये चलाने के बजाय उसके भी कोई ना कोई जो गुण है उसको देखना और उसको उस रूप से अपने विचारों को उसके प्रति परिवर्तन करना चौथी बात के फुल स्टॉप लगाना माना अंतर्मुखी हो जाना और अंतर्मुखी होकर के गहराई में जाना स्वयं रियलाइज करना गहराई में जाकर के ये परिस्थिति जो आई हमें क्या लेसन सिखा के गई जीवन के अंदर हर परिस्थितियां हमें अनुभवी बनाने आती है हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आती है तो हमने इस परिस्थिति से इस समस्या से क्या लेसन सीखा किस रूप से हम अनुभवी बने ताकि आने वाले समय में हो सकता है उससे और अधिक विकराल रूप से परिस्थिति आने वाली होगी लेकिन अगर हम अनुभवी बन गए तो उस समय को क्रॉस करना बहुत आसान हो जाएगा इसीलिए कहा चौथी बात इंट्रोवर्ट होकर के अंतर्मुखी होकर के अध्ययन करे मनन करे गहराई में जाए कि ये परिस्थिति भी हमें क्या सिखा के गई कौन सा लेसन पक्का कराया पांचवी बात फुल स्टॉप लगाना माना परमात्मा के प्यार को अनुभव करना कैसे परिस्थिति समस्याओं में भगवान का प्यार कैसे अनुभव होता है तो देखा जाता है कि कई बार कई लोग कहते हैं कि कोई कोई बात ऐसी होती है जो बार बार मेरे साथ होती है तो बार बार यही बात क्यों होती है तो जिस तरह एक स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट माना किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है मान लो कि एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कमजोर है उसको गिनती ठीक से होती नहीं है और हमेशा वो छोटी छोटी गलतियां करता है और उसका वो जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है सही नहीं होता है वो कहता है बार बार मैं यहाँ गलती करता हूँ बार बार मेरे साथ ऐसा ही होता है अब मान लो कि वो टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट है टीचर जानता है कि बाकी सब बातों में अच्छा है हर विषय में वो अच्छा है थोड़ा मैथ्स में ही कमजोर है और इसके कारण कहीं उसका परसेंटेज कम न हो जाए तो वो टीचर क्योंकि वो उसका फेवरेट स्टूडेंट है लेकिन कमजोर होने के कारण वो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है कुछ सम्स उसको दे देते हैं ताकि घर में होमवर्क में वो वही करे बार बार करने से अभ्यासी हो जाता है और जितना उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो प्रैक्टिस से जैसे जैसे उसके अंदर परफेक्शन आती जाती है उसके बाद उस बेसिस पर बड़े से बड़े से जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी वो सॉल्व कर देता है क्योंकि बेस उसका फाउंडेशन उसका बहुत मजबूत हो गया तो वो टीचर का फेवरेट होने कारण टीचर उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा के उसको परफेक्ट कर देता है ठीक इसी तरह हम सभी भी परमात्मा के फेवरेट स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारी कमजोरी को देख नहीं सकता है और वो जानता है कि इस छोटी सी कमजोरी के कारण कहीं जीवन की परीक्षा में वो फेल ना हो जाए तो वो भी कभी कभी हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हुए हमें परफेक्ट करता है ताकि फिर उस बेसिस पर उस फाउंडेशन पर बड़े से बड़ी बातें आती है तो भी उसको क्रॉस करना सहज होता है तो यही तो ईश्वर का प्यार है ईश्वर का प्यार हमें कमजोर नहीं करता है ईश्वर का प्यार हमें मजबूत करता है जिस तरह दुनिया के अंदर माँ का मोह होता है बच्चे के अंदर वो कहते कोई बात नहीं छोड़ दो मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी वो बच्चा कमजोर ही रह जाता है तो जहां मोह है वहाँ बच्चा कमजोर होता है परंतु जहां प्यार है निस्वार्थ प्यार वहां वो हमें मजबूत करता है शक्तिशाली बनाता है तो यही तो परमात्मा का प्यार है हम सब बच्चों के प्रति छठी बात फुल स्टॉप लगाना माना कुछ नया करने की चैलेंज को स्वीकार करना लाइफ में अनेक चैलेंजेस आती है तो उस चैलेंज को देखते हुए डर नहीं जाना है पीछे नहीं हटना है लेकिन उस चैलेंज के माध्यम से सोचे कि भाग्य विधाता हमें कुछ नया देना चाहते हैं कुछ तोहफा देना चाहते हैं कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं अगर मैंने जब तक ये नहीं किया तो मुझे वो गिफ्ट प्राप्त नहीं होंगी उसमें से जो निकलने वाली गिफ्ट है वो मिलेगी नहीं तो इसीलिए फुल स्टॉप लगाना माना ये जो व्यर्थ संकल्प है क्यों हुआ कैसे हुआ कहाँ हुआ मेरे साथी क्यों होता है ये जो हम कंप्लेन लाइफ में करते हैं उस कंप्लेन्स करना बंद करें और एक नए एंगल से एक नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए उस बात को सोचे माना वो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लग गया राइट right? तो इसीलिए कहा आज हमारे जीवन में कई प्रकार के अनचाहे विचार अनेक प्रकार की अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस अनेक लोगों से अनेक प्रकार की इच्छाएं बहुत बढ़ गई है और उसके लिए समेटने की शक्ति की ही आवश्यकता है अब ये समेटने की शक्ति हम कहां से आरंभ करें तो सबसे पहले अंदर में मन बुद्धि है तो मन को समेटना यानी उसको ऑर्गेनाइज करना विचारों को ऑर्गेनाइज करना जैसे कई लोगों ने घर में बहुत वे में में रहते हैं और किसी किसी के घर में देखो, यहां पड़ी होंगी वहां पड़ी होंगी ऑर्गेनाइज नहीं कई बार किसी की कबड़ को खोल के देखो इतना हर चीज व्यवस्थित रखी होंगी तो कोई भी चीज ढूंढना है आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं और कईयों का कबड खोलो ऐसे अंदर में रखा हुआ होता है जैसे कबाड़ खुलते सब अपने ऊपर आ जाता है ऑर्गेनाइज नहीं तो समेटना मन हम अपने जीवन को भी ऑर्गेनाइज करें ताकि हर समय हमारी विचारधारा एक बहुत सुंदर पॉजिटिव रीति से कार्य करे तो सबसे पहले समेटना मन बुद्धि को अर्थात अपने विचार जो इधर उधर बिखरे हुए हैं कभी क्या सोचता है कभी क्या सोचता है उसको समेटना आवश्यक है मन के अंदर एक टीम है सोचने समझने वाली बात है मन के अंदर एक टीम है उस टीम को हमें ऑर्गेनाइज करना है टीम यानी टी ई एम ये चार शब्द है टी E A M T माना thoughts, E माना इमोशंस A माना एटीट्यूड और M माना मेमोरी ये चार चीजें हमारे मन के अंदर होती है इसकी ये टीम है मन की मन बुद्धि की ये टीम है तो इन इस टीम को हमें ऑर्गेनाइज करने की आवश्यक है आवश्यकता है क्योंकि जब तक ये टीम ऑर्गेनाइज नहीं है कोई भी जीवन की यात्रा में हम सुखद अनुभव नहीं कर सकते हैं सक्सेस अनुभव नहीं कर सकते हैं खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं और ये यात्रा एंजॉयबल नहीं होंगी इसलिए इस टीम को हमें ऑर्गेनाइज करना है कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमारे थॉट्स या इमोशंस या जो एटीट्यूड यानी वृत्ति अंदर की भावनाएं वृत्ति तो विचार भावनाएं वृत्ति और स्मृति ये चारों को पास्ट से निकाल देना है क्योंकि हम कई लगेज अपने अंदर पास्ट का लेकर चलते हैं और इस कारण मन जो है मन बुद्धि बहुत भारी हो गए हैं इसलिए पास्ट को समाप्त कर देना है बीत गई सो बात गई है ना मन बुद्धि के अंदर भुलाने का की आदत होनी चाहिए कुछ लेट गो करने की आदत होनी चाहिए किसी व्यक्ति के साथ की कोई बात है तो उसको माफ करे और अपने मन को साफ करे साफ करने के लिए यही समझे कि इस आत्मा का भी ड्रामा में रोल है ये बेहद के विशाल ड्रामा में ये आत्मा भी एक्टर है मैं भी एक्टर हूं ये अपना रोल प्ले कर रहा है मुझे अपना रोल पे प्ले करना है जैसे दुनिया के अंदर जो ड्रामा होता है या फिल्म होती है उसमें हर एक को तो हीरो का रोल नहीं मिलता है किसी को हीरो का रोल मिला तो किसी को विलन का भी रोल मिलता है लेकिन विलन के रोल को देखते हुए हम ये तो नहीं कहते हैं कि ये विलन को ऐसा नहीं करना चाहिए अरे उसका रोल है और वो विलन का रोल इतना अच्छे से करता है तो कभी कभी अवॉर्ड उसी पर ले जाता है है ना तो ठीक इसी तरह हमारे आसपास भी कोई विलन के रोल में भी होगा तो लेट मी बी द हीरो मैं हीरो का रोल करूं, क्योंकि हीरो का रोल करने वाले को सब वंस मोर करते हैं अप्रिशिएट करते हैं तो इसीलिए अगर कोई विलन का रोल कर रहा है तो हम ये क्वेश्चन करने के बजाय कि ये ऐसा क्यों करता है ये ऐसा नहीं करना चाहिए अरे उसका रोल है है ना रोल है तो उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे सहजता से और हम अपना रोल हीरो का बजाए क्योंकि हम हीरो है विलन के साथ मुझे विलन नहीं बनना है तो जिस तरह दुनिया में भी एक बहुत सुंदर कहावत है कि गाय जो है है घास खा करके मीठा दूध देती अमृत देती है और एक सांप मीठा दूध पी करके जहर देता है अब मुझे क्या बनना है गाय बनना है या सांप बनना है ये मेरे ऊपर है तो फर्क किस में आया वास्तव में फर्क आया उसके स्वभाव में उसने सुखी घास खाई तो भी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अमृत बना दिया फुल स्टॉप लगा करके अपने जीवन के अंदर दिशा देते हुए ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको अमृत के अंदर और सांप ने मीठा दूध पिया फिर भी उसको ट्रांसफॉर्म किया जहर के अंदर तो इसीलिए समेटना माना हमेशा मुझे भी हर बात को ट्रांसफॉर्म करना है अमृत में जहर में नहीं तो बीती बातों का पास्ट का चिंतन नहीं करना लेकिन जो पुराना स्वभाव ईर्ष्या द्वेष आदि का है उसे समेटकर सर्व के प्रति शुभ भाव भावना को इमर्ज करना लेट गो करना यही समेटते जाना है नहीं तो जब इस दुनिया जब इन पुरानी बातों को स्मृति में रख करके रहेंगे हम एक एक बात को रखते जाएंगे उसने मेरे साथ ऐसा किया उसने मेरे साथ ऐसा किया अब मैं भी उसको दिखा दूंगा अगर सारी पुरानी बातें अंदर रखते रहेंगे भरते रहेंगे तो जब इस दुनिया से जाएंगे तो साथ में क्या लेके जाएंगे उसी प्रकार दूसरा जन्म भी प्राप्त होगा क्योंकि हम सब की एक रिटर्न जर्नी है रिटर्न टिकट हम सभी लेकर के आए हैं तो हम अपने साथ कौन सा लगेज इकट्ठा कर रहे हैं ईर्ष्या द्वेष नेगेटिविटी अः टेंशन इसी का लगेज इकट्ठा कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि हमारी टीम बहुत अच्छी हो तो जीवन की यात्रा बहुत सुंदर होगी और आगे की यात्रा भी उसी के आधार पर बहुत सुंदर हो जाएगी तो हमारी टीम कैसी है तभी वो गीत याद आता है जिंदगी एक सफर है, और सफर है सुहाना सफर को हमें सुहाना बनाना है क्योंकि कल क्या होगा किसने जाना जिंदगी एक सफर है सफर है सुहाना कल क्या होगा किसने जाना तो जीवन का यह सफर बहुत सुहाना होना चाहिए और उसके लिए हमारी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए राइट जैसे कहा जाता है कि प्लेयर्स की भी टीम अच्छी होती है तो हर बड़े से बड़ी मैच को भी वो जीत जाते हैं और वो इकट्ठा एक कंट्रीब्यूशन होता है उस जीत के लिए तो इसी तरह हमारी टीम भी बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छी हो खुशकुशल हो एंजॉएबल तभी हमारी जीवन की यात्रा भी एंजॉएबल होगी और हमारे जाने के बाद भी हमारी टीम को हर कोई याद करे और उसमें से प्रेरणा ले कि जैसे इसने अपनी टीम को इतना सुंदर बनाया हम भी अपने जीवन के अंदर उससे यही बात सीखे और आगे बढ़े इसलिए कहा जाता है कि हमारे साथ जाने वाली है हमारी पूंजी और हमारी पूंजी है ये टीम के द्वारा किया गया श्रेष्ठ कर्म यह श्रेष्ठ कर्म की पूंजी हमें अपने साथ सदा रखनी है और ले जाना है तो यह पहली बात समेटना है मन बुद्धि की टीम को ऑर्गेनाइज कर देना दूसरी बात जो हमें समेटना है कि आज इस जीवन की यात्रा में अनेक प्रकार की इच्छाएं ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए 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 कि चाहना बहुत बढ़ गई है अपनी इच्छाओं को भी समेटते जाए कहा जाता है कि आवश्यकता तो सबकी पूरी होती है लेकिन इच्छाओं इच्छाएं तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती है बादशाह के पास सब कुछ है लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी है जो पूरी नहीं हो सकती है इंग्लिश में भी इसलिए कहा जाता है देर इज इनफ टू सेटिस्फाई मैं नीड्स बट नथिंग टू सेटिस्फाई मैं ग्रीड जो हमारा लोभ लालच आसक्तियां हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए तो कितनी भी चीजें उसके पास आ जाए तो भी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है <coughs> कई बार हम देखते हैं कि दिवाली में जब लोग सफाई करते अपने घर के तो घर की सफाई करने के बाद देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमने सालों से यूज नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको साफ करके वापस रख देते हैं क्यों अरे भाई ये क्यों रखते हैं तो क्या कहते हैं अरे ये मेरे मायके से मुझे शादी के समय मिला था ये तो यादगीर यादगार है मेरे लिए इसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ ये फलाने व्यक्ति ने मुझे इतना प्यार से गिफ्ट किया था उसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ और इस तरह से शायद हम इतनी सारी चीजें इकट्ठी करते जा रहे हैं हर दिवाली पर सफाई करते निकालते हैं देखते हैं फिर वापस उसको रख देते हैं किस लिए रख रहे हैं मालूम नहीं हमारे जाने के बाद लोग कहेंगे अरे सब निकालो अभी सारा कचरा रखा था जिसको हमने इतना प्यार से समेत के सहज के रखा था लोग हमारे जाने के बाद कहते हैं सारा कचरा इकट्ठा कर दिया था ये सारा कचरा निकालो अभी है ना तो हम सब ने वो सिकंदर की कहानी सुनी है सिकंदर एक बहुत बड़ा नेपोलियन जिसको कहा जाता है नेपोलियन ने आधा दुनिया को जीत लिया था कहा जाता है तो उसका सुना था कि जिस दिन उसको ये हुआ एक दिन उसने किसी से पूछा कि भारत की ऐसी कौन सी चीज है जिसको ले आना चाहिए अपने साथ रखना चाहिए तो किसी ने उसको कहा कि भारत का कोई साधु हो ना उसको जरूर अपने साथ रखना चाहिए तो कहा क्यों रखना चाहिए साधु को तो कहा समय पर वो बहुत अच्छी विजडम देता है इसलिए तो नेपोलियन की बुद्धि में ये बात घुस गई तो उसने भारत में एक साधु को देखा साधना कर रहा था तपस्या कर रहा था कोई ऋषि था तो उस ऋषि के पास गया कि चलो मेरे साथ तो ऋषि ने कहा मैं क्यों चलू नहीं, आपको चलना होगा ये मेरा ऑर्डर है उसके सारे सैनिक आकर के खड़े हो गए बोले ये नेपोलियन का ऑर्डर है आपको मानना ही होगा कहा और अगर ना मानू तो तो कहा तेरा सर काट देंगे तेरे को खत्म कर दिया जाएगा तो कहा खत्म कर दो फिर तो कहा तुम्हें अपने जीवन के लिए मोह नहीं है कहा नहीं क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकता मैं तो अमर अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं वो चाहे तो इस शरीर को मार सकता है वो मुझे मार नहीं सकता है तो जैसे जैसे नेपोलियन ने ये बात सुनी उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि लोग तो मेरे भय से कांपते हैं और ये व्यक्ति ऐसा है जो डरता ही नहीं है तो ऐसी क्या उसने प्राप्ति कर ली है तो कहा यही तो विजडम है जिस कारण से उसने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है तो फिर जो है वो साधु तो नहीं चला लेकिन नेपोलियन को रियलाइज हुआ उसको ऑफर किया था कि मैं तुझे आधा जो मैंने जीता है उसमें से आधा आधी दुनिया का मालिक बना दूंगा कहा मुझे मालिक नहीं बनना है वो साधु कहता है अरे तू तो मेरा गुलाम है गुलाम का भी गुलाम है जब ये बात गई तो नेपोलियन ने कहा कैसे कहा मैंने अपने मन को जीता है मैं अपने मन का राजा हूं तू तो अपने मन का गुलाम है इच्छाएं हैं पूरी दुनिया जीत लू और जीतने के बाद भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है पूरी दुनिया और साथ क्या चलेगा तेरे कुछ भी नहीं तो मेरे मैं तो मन का राजा हूं और मैं मन का राजा हूं मेरी कर्मेंद्रिया मेरे गुलाम है ये मन मेरा गुलाम है और मेरी कर्मेंद्रिया को खत्म करने का तुम सोच रहा है मेरे शरीर को तुम खत्म करने का सोच रहा है तो मेरे गुलाम का भी गुलाम है तुम कि जहां तेरी इच्छाओं पर भी तेरा कंट्रोल नहीं है और जब यहां से जाएगा तो कुछ भी लेकर नहीं जाने वाला है नेपोलियन को वो बात इतनी अंदर घुस गई वहां से चला गया उस साधु से और इतनी बड़ी सीख लेकर के गया कि उसके बाद जो है उसने सोचा कि अब मुझे आगे दुनिया जीतनी नहीं है परंतु उसने अपने जो सैनिक थे जो लोग थे उसको कहा कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं तीन चीजें आपको करनी है क्या कौन सी तीन चीजें करनी है तो कहा सबसे पहले मेरी अर्थी को जो उठाए ना वैद हकीम और डॉक्टर्स मेरी अर्थी को उठाना चाहिए कंधा देना चाहिए कहा ये क्यों तो कहा दुनिया को ये पता होना चाहिए कि जब जाने का समय आता है तो कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है कोई वैद हकीम आपको बचा नहीं सकता है ये उन्हें मालूम होना चाहिए दूसरी बात कि जो धन मैंने जीता है तो जिस रास्ते से मुझे ले जाए मेरी अर्थी को ले जाए उस पूरे रास्ते के ऊपर उस धन को अशरफियों को गोल्ड कॉइन्स को बिछा देना क्यों तो लोगों को मालूम पड़े कि इतना बड़ा नेपोलियन इतना बड़ा सिकंदर इतना उसने धन जीता लेकिन यह धन उसका लाइफ को बचाने में काम नहीं आया तो पहला तो वैद हकीम लोग डॉक्टर्स लोग मेरी अर्थी को उठाएं ताकि लोगों को पता चले कि वो बचा नहीं सकते जब आपका जाने का वक्त आता है और इतना धन दौलत भी देने के बाद खर्च करने के बाद भी वो आपके जीवन को बचा नहीं सकता है और तीसरी चीज क्या करना है तो मेरे कॉफिन से दोनों हाथ बाहर रख देना ताकि लोगों को पता चले कि जाने के समय मैं खाली हाथ ही गया कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सका तो इसीलिए कुछ समय अपने लिए भी रखे अपने श्रेष्ठ कर्म की पूंजी को इकट्ठा करने के लिए रखे ताकि हम इस दुनिया से जब जाए तो भरतू हाथ जाए खाली हाथ ना जाए हमारा जीवन ऐसा हो अनेक प्रकार की इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ ना हो लेकिन जो है हमें लाइफ के अंदर इस तरह से जीना है जैसे कि हम जीवन को अच्छी तरह समझते हुए जी रहे हैं नहीं तो हर समय टेंशन बना रहेगा डिप्रेशन आ जाएगा लाइफ में और इन इच्छाओं को समेट नहीं पाएंगे तो इच्छाओं को जितना समेटेंगे उतना लाइफ में टेंशन कम होगा उतना लाइफ खुशी खुशी से आगे जी सकेंगे तीसरी बात तो पहले तो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना है दूसरा इच्छाओं को समेटना है तीसरी बात कि अपने बैग बैगेज में हमेशा कीमती चीजों को भरना है कीमती चीजें कौन सी है ना रत्न को भरना है हमें अपने बैग Bag बैगेज को हीरे मोतियों से भरना है और ये हीरे मोती कोई स्थूल की बात नहीं है लेकिन गुणों के हीरे मोतियों से भरना है सदगुणों से भरना है श्रेष्ठ कर्मों से भरना है ये कीमती चीज है और हर एक से गुण उठाते जाना है कहा जाता है कोई व्यक्ति बहुत बुरा है बहुत बुरा है चलो निन्यानवे अवगुण है एक तो गुण होगा एवरीबडी इज ब्लेस्ड ब्ले विदर क्वालिटी कोई ना कोई एक विशेषताओं से भगवान ने उसको ब्लेस किया हुआ है तो इसीलिए कहा कि ये गुण चोर बने हम हर एक से गुण को उठाए और अपने जीवन के अंदर उन गुणों को भरते जाए गुणों को इकट्ठा करते जाए किसी के अवगुणों को न देखे गुण अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए गुण चोर बने दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है कि दत्तात्रेय भगवान क्यों बना दिया उसको लोग उसकी पूजा क्यों करने लगे तो कहा उसने जीवन के अंदर 32 गुरु किए थे 32 गुरु किस 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 को गुरु बनाया तो उसने टोटो को भी अपना गुरु बनाया उसने हर एक चीज को एक फूल को भी अपना गुरु बनाया कि कैसे कांटों के बीच एक गुलाब का फूल रहता है है ना? तो हर चीज से हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर गुण धारण करना है कुछ विजडम धारण करनी है और उसको भी अपना गुरु बना देना है तो इसीलिए वो पूजनीय हो गया क्योंकि अपने बैग बैगेज उसने अच्छी चीजों से भर लिया कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमने तो अपनी बैग बैगेज अच्छी चीजों से ही भरी है लेकिन ध्यान रखना कोई चोर चोरी ना कर जाए आप सोचेंगे भाई मेरे सदगुणों को कोई कैसे चोरी कर सकता है मेरे अच्छे कर्म को कोई कैसे चोरी कर सकता है आज की दुनिया में हर चीज संभव है हमारे गुण भी चोरी हो जाएंगे कैसे चोरी होंगे संग का रंग अगर कुसंग का रंग लग गया ना तो सारे सदगुण खत्म होते जाते हैं बुरा संग में फंस गए तो बुरा संग वाला क्या करेगा अपना रंग चढ़ाना शुरू करेगा तो सदगुण के बदले बुरी आदतें आने लगेगी व्यसन आने लगेंगे लाइफ में एडिक्शंस होने लगेगी कई चीजों की और ये हमारी बैग बैगेज को जो सदगुण हमने इकट्ठे किए थे वो सारे चोरी हो गए बह गए और हमने अपनी बैग बैगेज को रिप्लेस कर दिया कब रिप्लेस हो गई ये सब चीजें वो भी पता नहीं चले तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि कोई भी संघ के प्रभाव में और उसमें भी विशेष कुसंग के प्रभाव में आकर के बुरे कर्म में एंटेंगल नहीं होना है बुराइयों में फंसना नहीं है तो हमेशा अपने बैग बैगेज को ध्यान देकर के अच्छी चीजों से भरो तो आगे का जो यात्रा का पड़ाव है उसको भी हम अच्छे से उसको ये कर सकेंगे चौथी बात चौथी बात क्या समेटनी है हमें लाइफ में तो देह के संबंधों को समेटना है कैसे समेटेंगे देह के संबंध तो इस बेहद के विशाल ड्रामा में हम सबने कितने जन्म धारण किए हैं सोचो आप कि अगर हमारे मैक्सिमम जन्म भी हो चौरासी जन्म भी हो तो चौरासी जन्म में चौरासी माँ बाप मिले चौरासी जन्म में चौरासी भाई बहने मिले होंगे कितने सारे रिश्ते मिले होंगे चौरासी जन्म में राइट right? याद है कि पास्ट लाइफ के मातपिता पिता कौन है चलो सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारा मात पिता के साथ हो या अपने बच्चों के साथ हो तो पिछले जन्म के बच्चे कौन थे मालूम है और वो आज कहाँ है पता है कुछ भी पता नहीं जैसे ये शरीर छूटता है वो संबंध भी छूट जाते हैं और इसीलिए अगर उन संबंधों में जितना हमारा अटैचमेंट होगा तो शरीर छोड़ने वक्त भी कितना दर्द होगा इसीलिए हर इंसान को अपने मित्र संबंधियों को भी अपने नजदीक के परिवार के संबंधों को भी हम क्या देखें? ये संबंध भी सारे मुझे इस एक जन्म के लिए मिले हैं इस एक जन्म के बाद ये संबंध भी कहां छूट जाएंगे पता ही नहीं तो सबके साथ स्नेह जरूर रखना है प्यार जरूर रखना है लेकिन अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना अटैचमेंट क्रिएट करना माना अधिकार मेरा अधिकार है इसके ऊपर ये मेरा पति है मेरा अधिकार है ये मेरे बच्चे हैं मेरा अधिकार है पजेसिवनेस जितना पजेसिवनेस होगा उतना दुखी हो जाएंगे तो इसीलिए कहा कि इस ड्रामा के अंदर सबने कितने जन्म धारण किए हर जन्म में हमारे कितनी आत्माओं के साथ संबंध जुड़े और फिर जीवन यात्रा में जैसे आगे बढ़ते गए वो संबंध पीछे छूटते गए तभी तो भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम्रज अर्थात के जितने भी धर्म है धर्म माना कोई हिंदू मुस्लिम ये सारे धर्म को छोड़ने की बात नहीं है लेकिन देह के अनेक धर्म कौन से हैं जिसको हमने अपनी जिम्मेवारी समझा हमारा कर्तव्य समझा वो हमारा धर्म है जैसे एक पित्र धर्म कहते ना पिता के प्रति एक बच्चे का धर्म या पिता का अपने बच्चे के प्रति एक धर्म तो पित्र धर्म तो पति धर्म जैसे कहते ना ये भाई पति है हमारा इतना तो धर्म उसका होना चाहिए कि हमारी रक्षा करे हमारे लिए नीड्स को पूरा करे तो पित्र धर्म पति धर्म गृहस्थ धर्म ये सारे धर्म है हमारी एक लाइफ में कितने धर्म है जिसको मुझे पूरा करना होता है ये सारे धर्म छोड़ सर्वधर्म परित्यज ये जो एक्सपेक्टेशंस होता है कि मेरे पिता का धर्म मेरे प्रति क्या है मेरे पति का धर्म मेरे प्रति क्या है मेरे बच्चे का धर्म मेरे प्रति क्या है मेरा गृहस्थ धर्म मेरे मेरे लिए क्या है तो ये सारे धर्म जो है उसको प्यार से निभाओ जरूर निभाना जरूर है लेकिन उसमें मोह या आसक्ति जो है उसका त्याग करना है तो सर्वधर्म परित्यज यानी उसको त्याग कर माम एकम शरणम रज सिर्फ मुझ एक को याद करो परमात्मा यही कहते मुझ एक को याद करो तो तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी हो जाएगी अपने आप माम एकम रज सिर्फ मेरी शरण में आ जा तो तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा जितने भी पाप हुए ये संबंधों में फंस करके मोह में आकर के इस पॉजिटिवनेस को लेकर के जितने भी पाप हुए हैं वो सब से तुम मुक्त हो जाएगा और इसीलिए ये बात जैसे ही अठारह अध्याय में भगवान ने कही अर्जुन को और अर्जुन को रियलाइज हुआ और तभी उसके बाद वो कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर अब मैं संपूर्ण मोह से मुक्त होकर के स्मृति स्वरूप हो गया कि हाँ परमात्मा एक ही है जो हमारा सच्चा साथी है दुनिया का कोई भी इंसान हमारा सच्चा साथी नहीं बन सकता है कितना भी मो हो हमें उसके प्रति उसका भी हमारे में मोह हो लेकिन साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं है ना वो राजा की कहानी सुनी होगी आप सभी ने कि एक राजा था और उसकी चार रानियां थी चार रानी थी पहली रानी जो थी वो उसको इतनी प्रिय नहीं थी और प्रिय नहीं थी तो उसके पास वो कभी जाता नहीं था रानी उसको प्यार करती थी लेकिन वो रानी के पास कभी जाता नहीं था क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लगती थी इसलिए उसने दूसरी शादी किया दूसरी रानी को ले आया लेकिन धीरे धीरे उससे भी मन भर गया तो तीसरी शादी किया तीसरी जो शादी किया रानी थी बहुत ब्यूटीफुल थी बहुत अच्छी थी लेकिन उसके अपने शौक थे उस शौक को पूरा करने में वो लगी हुई थी तब उसने चौथी रानी को अपनाया और चौथी रानी को इतनी सुंदर थी हर रीति से इतनी अच्छी थी तो जहां जाता था उसको साथ लेकर जाता था उसी के साथ में समय बिताता था कोई क्षण ऐसा नहीं होता था जो उसको साथ न रखा होता लेकिन राजा को फिर एक ऐसी बीमारी हुई जो उसको पता चल गया अब मेरा अंत नजदीक है तो अंत नजदीक है यह जानकर उसने उसने चौथी जो अति प्रिय रानी थी उसको बुलाया और कहा देखो मैं अभी आगे जा रहा हूं अभी ये शरीर जो है मुझे साथ देने वाला नहीं है मुझे जाना पड़ेगा तो उसने अपनी चौथी रानी से कहा आप मेरे साथ चलेगी तो जैसे ये कहा तो रानी ने मुख मोड़ लिया और चली गई कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी अब यहां से आगे का सफर तुम्हें अपने आप करना होगा उसको बड़ा धक्का लगा कि जिसको मैंने इतना प्यार किया वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं तब उसने तीसरी रानी को बुलाया और कहा तुम मेरे साथ चलोगी तुम्हारे हर शौक मैंने पूरे किए कहा नहीं मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूं मेरे अभी कितने शौक बाकी हैं और तुम जाएगा तो कोई बात नहीं दूसरा मुझे मिलेगा ऐसे करके उसने जो है साथ छोड़ दिया वो भी चली गई तो जो दूसरी रानी थी उसको बुलाया कहा तुम चलेगी मेरे साथ आगे की जर्नी पर तो कहा मैं शमशान तक चलूंगी आगे जाना तेरा काम फिर जो पहली रानी थी जो अप्रिय थी इतनी प्रिय नहीं थी वो सामने आकर कहने लगी मैं साथ चलूंगी आपके हमारे जीवन में भी ये चार रानी है जिसको हमने जीवन के अंदर किसी को बहुत कम महत्व दिया किसी को बहुत अधिक महत्व दिया पहली रानी हमारे अच्छे कर्म अच्छा स्वभाव जो हमेशा हमारे साथ चलने के लिए तैयार होता है दूसरी रानी वो है हमारे मित्र संबंधी जो हमें स्मशान तक छोड़ने आते हैं तीसरी रानी हमारी धन दौलत वो कहते हैं तुम जाएगा तो दूसरा मिलेगा जो मुझे ओन करेगा अपना बनाएगा और जो चौथी रानी जिसको इतना प्यार किया हमेशा साथ रखा हमारा शरीर कितना सजाया उसको रोज उसको तैयार किया नहलाया धुलाया सजाया सब कुछ किया जहां गए उसको साथ लेकर गए उसके बिना एक कदम नहीं चले हम लेकिन जिस दिन ऊपर का बुलावा आता है चाहे रास्ते में है बाजार में है कहीं पर भी है वो साथ छोड़ देता है कहता है अब आगे की यात्रा तुम करो शरीर साथ नहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है उसके बाद वो जिसके पीछे हमने इतना टाइम दिया इतना खर्चा किया वो शरीर वहीं छूट जाता है अच्छा जो धन दौलत है वो भी साथ नहीं चलती वो कहते हैं आज तुम है ठीक है तुमने मुझे अपनाया था कल दूसरे के पास चली जाऊंगी बच्चों के पास जाएगी मित्र संबंधी उसको ले लेता है अपना लेता है तो ये भी हमारे साथ चलने वाले नहीं है अच्छा जिन मित्र संबंधियों को हमने अपना समझा वो हमें स्मशान तक छोड़ देगा कहते आगे की यात्रा तुम्हें करनी है और जो सबसे पहली रानी चौथी रानी अप्रिय जिसके प्रति हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया वो है हमारे कर्म हमारा स्वभाव हमारे संस्कार वो कहते हैं हम साथ में चलेंगे जिसके प्रति कभी ध्यान नहीं दिया और तब व्यक्ति को अफसोस होता है काश मैंने इस चौथी रानी के ऊपर विशेष ध्यान दिया होता अच्छे कर्म किया होता तो आगे जहां जाना है वो कितना सुंदर मेरा समय बीतेगा देह के पीछे सारा टाइम लगा करके प्राप्ति क्या हुई कुछ भी नहीं इसलिए हमारी प्यारी दादी जानकी हमेशा ये बात याद दिलाती थी तीन बार ओम शांति कह करके मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है मैं आत्मा मेरा कौन मेरी सबसे प्रिय रानी कौन सी होनी चाहिए मेरे कर्म ये दुनिया के सारे संबंध जो है वो स्वार्थ युक्त है तो इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म के प्रति ध्यान देना है मैं कौन मेरा कौन है ना मेरे साथ चलने वाला कौन और इसीलिए मुझे क्या करना है राजयोग हमें यही सिखाता है कि मैं आत्मा और मेरा कौन मेरा तो एक परमात्मा दूसरा न कोई उसको हम अपना समझ करके उसको सदा याद करते रहे और अच्छे कर्म करते जाए परमात्मा की याद में तो कहेंगे कि हाँ हमने सारे संबंध को भी समेट लिया समेटने के लिए हमेशा ये याद रहे कि मैं महान आत्मा हूं और इस दुनिया में मेहमान हूं महान माना ही मेरा हर बोल मेरा हर संकल्प मेरा हर कर्तव्य महान होना चाहिए और मेहमान समझने से किसी बात में हमारा मोह ममता आसक्ति नहीं होगी हमें हर जगह जो भी अच्छी चीज देखते हैं उसको अप्रिशिएट जरूर करना है लेकिन ये जरूर समझना है कि हम तो यहाँ मेहमान है ये हमारे नहीं है उन चीजों को यूज जरूर करें लाभ ले लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखे जैसे राजा जनक की कहानी है कि कि उसने कहा कि मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान मिले उसके पास लक्ष्मी थी सरस्वती थी बहुत इंटेलिजेंट था राजा जनक मन सरस्वती थी लक्ष्मी थी धन धान्य से संपन्न था लेकिन विदेही का टाइटल मिला उसको और विदेही क्यों कहा गया विदेही माना जिसकी साधु वृत्ति हो यानी जिसने समझा हो लाइफ को अच्छी तरह से उसकी एक कहानी आती है बहुत सुंदर आती है कि एक बार उसका एक मंत्री उसको कहता है कि राजा आपको विदेही क्यों कहा जाता आप रहते तो ये सारे भौतिक साधनों के बीच में है इतना भौतिकता चारों ओर महल के अंदर है फिर आपको विदेही कैसे कहा जाएगा तो राजा जनक ने कहा कि ठीक है तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा लेकिन उसके लिए तुझे मुझे मैं एक अवार्ड भी दूंगा एक इनाम भी दूंगा और सजा भी दूंगा वो मंत्री घबरा गया कि सजा देंगे क्या ऐसी सजा देंगे ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया तो कहा तुम्हें इनाम यह देता हूं मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा और दुनिया को भी यह मालूम होना चाहिए कि मुझे विदेही क्यों कहा गया लेकिन तुझे इनाम में यह देता हूं कि सात दिन तुझे मेरे महल में रहना होगा जो भी सारे संसाधन है जो भी चीज है उसका तुम उपभोग करो उसको एंजॉय करो खूब अच्छे से एंजॉय करो लेकिन सातवें दिन तुझे बाजार में लाया जाएगा सारे चौक में ला लाया जाएगा और सारी पब्लिक के बीच में तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा लेकिन ये सात दिन तुम खूब एंजॉय करो जितने भी रिचेस so, है मेरे महल के अंदर उन रिचेस को तुम एंजॉय करो भोग करो अच्छा अच्छा छप्पन प्रकार का भोजन बनता है खाओ पियो मौज करो ये सात दिन जितना मौज करना है कर लो सात दिन के बाद तुझे बीच बाजार में लाकर सबके बीच में फांसी पर चढ़ाया जाएगा अब वो मंत्री बार बार राजा को रिक्वेस्ट करे कि सॉरी मैंने ये प्रश्न पूछा लेकिन मुझे न रिचेज चाहिए न मुझे सजा चाहिए कर नहीं अभी तो तुमने पूछ लिया इसलिए तुम्हें मिलेगा जरूर अब क्या करता गया महल में रहने के लिए सात दिन के लिए लेकिन बार बार उसको वही नजर आए कि ये सात दिन के बाद तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा सबके बीच में रख दिया जाएगा और एकदम मेरी सब बातों से खत्म हो जाऊंगा तो ये करने के लिए फिर वो बड़ा परेशान हो गया टेंशन में आ गया और उसको पता ही नहीं चला कि अभी मैं क्या करूं खैर सात दिन पूरे हुए सात दिन पूरे होने के बाद जो है उसको उसको ये कहा गया बीच चौक में ला करके कहा गया अब तुझे फांसी पर चढ़ाएंगे बड़ा डरने लगा क्या करे फिर जो है राजा ने कहा फांसी पर चढ़ाने से पहले मैं तुझे पूछना चाहता हूं कि इस दिन का तेरा कैसा रहा? तो कहा क्या एक्सपीरियंस कहा नहीं तुझे इतना छप्पन प्रकार के भोजन मिले तुम्हें इतना रिचेस को एंजॉय करने का टाइम मिला तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा तो उसने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हर समय जैसे मुझे ये दिन नजर आ रहा था और इसीलिए मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाया मुझे वो स्वाद भी नहीं आया जो रिचेस थे उसको भी मुझे एंजॉय करने का कोई मन नहीं हो रहा था और मुझे तो डिप्रेशन आ रहा था इतना स्ट्रेस हो गया था मेरे अंदर तो राजा ने कहा मैं इसी बात का तो उत्तर तेरे को देना चाहता हूं कि मैं भी इस महल में रहता हूँ लेकिन मैं हर समय समझता हूँ भी ये सात दिन में कोई भी एक दिन तो जाना ही है मुझे भी सात ही दिन है है कि नहीं सात दिन में कोई भी एक दिन मुझे जाना होगा सात दिन के आगे जिंदगी नहीं है तो इसीलिए कहा कि हमेशा जितना डिटैच्ड वे में रहेंगे और डिटैच होकर के उसको यूज करेंगे तो एंजॉय भी कर सकेंगे और साथ में जो है हम सहजता से जीवन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकेंगे और कोई भी चीज हमें खींचेंगी नहीं जिस तरह कहा जाता है कि एक व्यक्ति संसार में रहते इतना लिप्त हो जाता है कि उन चीजों से न्यारा नहीं हो सकता है और जब उसमें इतना लिप्त रहने लगता है तो दुखी हो जाता है जबकि राजयोग हमें यही सिखाता कि आत्मा समझकर डिटैच होकर के मैं परमात्मा का बच्चा हूं ये शरीर रूपी चोला हमने धारण किया है पाठ बजाने के लिए और इसीलिए पाठ को बजाते हुए देह और देह के संबंधों से जितना न्यारा उपराम रहेंगे उतना सबके प्यारा भी रहेंगे और सहजता से एंजॉय कर सकेंगे और पांचवी बात जो हमें समेटनी है के व्यवहार को समेटना है अपने कर्तव्य को सम, समेटना है यानी एक कमल फूल की तरह न्यारा और प्यारा रहना है सबके बीच में रहना है संगठन से किनारा नहीं करना है परिवार से किनारा नहीं करना है कारोबार को छोड़ना नहीं है जिम्मेवार को छोड़ना नहीं है लेकिन न्यारा होकर उसको संभालना है जिस तरह एक बैंक मैनेजर या कैशियर बैंक का सारा दिन पैसा गिनती करता रहता है लेकिन दिन के अंत में समझता है मेरा नहीं है सारा दिन पैसों का गिनती करते करते शायद थक जाए लेकिन वो समझता है कि पैसे मेरे नहीं है जिस तरह एक कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर हो बहुत बीमार हो गया लेकिन फिर भी अपना कारोबार में से और कुछ नहीं रोज डॉक्टर के पास जाता था अपने साथ एक ब्रीफ केस लेकर के जाता था डॉक्टर इलाज कर रहे थे लेकिन देख रहा था पेशेंट को कुछ फायदा नहीं हो रहा है उस मैनेजर को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उस डॉक्टर ने उस मैनेजर से पूछा क्या आप काम से सीधा यहाँ आते हो कहा हाँ मैं काम से आता हूँ यहाँ पर बर... और ये ब्रीफ केस जो मेरी है उसमें मैं काम घर में भी ले जाता हूँ और घर में भी पूरा करता हूं तब जाकर के दूसरे दिन फिर मैं काम पर वापस अच्छे से कर सकता हूँ तो काम करता है घर में भी काम ले जाता है तो डॉक्टर ने समझ लिया तो कहा आप बांटते क्यों नहीं हो डिवीजन ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्यों नहीं करते हैं? कुछ चीजें किसी को देते जाओ वो लोग पूरा करें कहा नहीं इस दुनिया में विश्वास करने के लिए कोई पात्र नहीं है और इसीलिए मुझे किसी पर विश्वास नहीं आता है तो मैं किसको दूं अपना काम इसलिए मैं खुद ही करूं वो डॉक्टर ने कहा तो एक सलाह मेरी मानो कहा क्या तो कह, वॉक करने जाओ कहा एक घंटा वॉक करो लेकिन स्मशान में वॉक करना का स्मशान में वॉक क्यों करो बगीचे में क्यों नहीं करो तो कहा स्मशान में इसलिए करना कि वहां तुम देखेगा कि कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कितने बड़े बड़े कंपनी के मालिक लोग भी लेटे हुए हैं और उनके जाने के बाद भी उनकी कंपनी चल रही है रुकी नहीं है इसी तरह तुम आज है लेकिन अपने हेल्थ को खत्म कर रहा है क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं कल को तुम चला जाएगा फिर भी ये कंपनी चलने वाली है रुकेगी नहीं किसी के बिना काम रुका नहीं है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जरूर हो नहीं तो बहुत जल्दी उस ग्रेवयार्ड में उन लोगों के साथ पहुंच जाएगा इसलिए तुम रोज एक घंटा वहां चक्कर लगाएगा तो तुम्हें कम से कम स्मृति रहेगी कि मेरे बिना भी दुनिया चलेगी और चलती रहेगी तो जो कारोबार है व्यवहार है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जरूर करें हम सुपरविजन करें लेकिन सबसे कराएं कुछ चीज करना है कुछ चीज कराना भी जरूरी है तो जितना हम बांटते जाएंगे न्यारा रहेंगे तो टेंशन कम होगा एक बार प्रकाशमणि दादी जी को किसी ने पूछा आप इतनी बड़ी संस्था की हेड है आपको टेंशन नहीं होता है तो दादी जी ने कहा मैं अपने आप को कभी हेड समझती नहीं जो हेड एक हो जो हेड समझता है उसको हेड होता है मैं तो निमित हूं निर्माण हूं करण करावन हार परमात्मा करा रहा है मैं करण हार हूं तो इसीलिए गीत भी है अपना सब सौंप दो प्रभु को तो जीवन सरल हो जाएगा इतने हल्के हो जाएंगे लाइट हो जाएंगे ये जीवन की यात्रा को करने में आनंद होगा तो इसीलिए कहा कि मनुष्य जीवन में तीन अवसर भगवान उसको देता है एंजॉय माना बहुत धूमधाम से तैयारी करके एंजॉय करने का कौन सा सबसे पहले एक बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है नौ महीना वो माँ कितनी तैयारी करती है उस बच्चे के स्वागत के लिए करते हैं ना बच्चे के स्वागत के लिए कितनी तैयारी की आप लोग ने नौ महीना से ऊपर किया होगा कि भाई बच्चा आने वाला है उसके लिए ये उसका जो क्रेडल है वो लेके आए उसका ये कपड़े संजोना शुरू करो उसको ये करना चालू करो उसके लिए स्वेटर बुनना चालू करते हैं उसके लिए पैरों के मोजे तक बनाना चालू करते हैं प्यार से कितना एक एक चीज की तैयारी करते हैं कि उस बच्चे का जन्म हो तो कोई भी चीज की उसको कमी नहीं होनी चाहिए ठंडी नहीं लगनी चाहिए उसको ये नहीं लगना चाहिए हर रीति से उसके लिए ब्लैंकेट लाएंगे उसके लिए अः कितनी अच्छी अच्छी चीजें ले आते हैं आजकल तो बच्चों के किड स्टोर में चले जाओ क्या नहीं मिलता है छोटे छोटे खिलौने भी लेके आते हैं है ना उसको तो एक बच्चे का जन्म होना होता है तो कितनी पूर्व तैयारी होती है और सारे घर के सदस्य उसमें लग जाते हैं उस तैयारी में दूसरा उसका विवाह जब होता है और उस विवाह के भी कितने समय पहले से तैयारी शुरू करते हैं अभी तो एंगेजमेंट नहीं हुई होंगी खाली लड़की देखी होंगी कि हम तैयारी शुरू कर देते हैं बच्चे के विवाह में ये भी लगेगा ये भी लगेगा बहू को ये देंगे वो देंगे इसके ये कपड़े वो कपड़े इस तरह से सारा हम सारी तैयारी करने में जुट जाते हैं और धूमधाम से उसका विवाह करते हैं और तीसरा अवसर इस दुनिया से जाने का उसकी तैयारी कितनी किया हमने जन्म की तैयारी कर लेते हैं हमारे लिए सब विवाह की तैयारी सब कर लेते हैं लेकिन इस दुनिया से जो जाने का है उसको तो हम भूल ही जाते हैं और ऐसे जीने लगते हैं जैसे यहां से हमें कभी जाना ही नहीं है इसीलिए मृत्यु बड़ी दुखदाई दर्दनाक होती है क्योंकि हमने तैयारी नहीं किया है तो इसीलिए समेटना माना हमेशा हमें याद रहे कि कभी भी हम जा सकते या सात दिन दिन में से कोई भी एक दिन जा सकते हैं और उसकी भी हमें बैग बैगेज तैयार करने हैं, रत्न मोती हीरे सब कुछ लेकर के सदगुण रूपी रत्न श्रेष्ठ कर्म रूपी हीरे मोती को बैग बैगेज में भरना है और अपने साथ ले चलना है ये बैग बैगेज हमारी कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है ना अच्छा ओम शांति तो कुछ क्षण के लिए हम सभी योग करेंगे और स्वयं को इस शरीर के अंदर भी महान आत्मा सुमेहमान के रूप में देखेंगे मैं एक महान आत्मा हूं जो इस संसार के रंग मंच पर अवतरित हुई हूं महान कार्य करने के लिए और परमात्मा ने मुझ आत्मा में अनेक सदगुण रूपी हीरे मोती दिए थे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें भी अपने जीवन में कई चीजों को समेटते जाना है और अपनी टीम बहुत अच्छी बनानी है अपने विचारों को भावनाओं को मनोवृत्ति को और स्मृतियों को श्रेष्ठ विचारों से सकारात्मक विचारों से सजाना है अपनी भावनाओं को हमेशा शुभ भावना श्रेष्ठ भावना रखनी है अपनी मनोवृत्ति को श्रेष्ठ दिशा देनी है और स्मृतियों को समृद्ध करना है जीवन की यात्रा में इच्छाएं और अपेक्षाएं समेट लेना है सदा ये ध्यान रहे मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है परमात्मा को साथी बना करके हमेशा चलना है इस जीवन की यात्रा में संगठन में भी रहना है साथ निभाना है और हंसते खेलते जिंदगी के सफर को सुहाना बनाना है परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में निरंतर रहना है उसका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करे सब सौंप दो प्रभु को जीवन सरल हो जाएगा